हाय गैस, वेलकम बैक टू मेरे चैनल डीजे फॉरवर्डिंग। तो गैस, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्लाउड बुक कंसेप्ट की फॉरवर्डिंग। तो यहाँ पर एडिटिंग को भी देख सकते हो कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है। और इसी तरह ऑसम ऑसम फॉरवर्डिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके साइड की बेल आइकन प्रेस करना मिले। तो चले गए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको ये बैकग्राउंड को पिक्चर ऐप पर ओपन करना है। इस वाले बैकग्राउंड को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सिंपल आपको डाउनलोड करना है एंड गैस आपको ओपन करना है। सो गैस, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी पिक को लाना है। तो कैसे लाना है, आपको ऐड फोटो पर चलना है। तो सिंपल आपको यहाँ पर ऐड फोटो पर क्लिक करके यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी पिक को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। सिंपल आपको अपनी पिक को यहाँ पर सिलेक्ट करना है एंड गैस अभी आपको बैकग्राउंड को इरेज करना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड को इरेज करने के लिए मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा। तो सिंपल आपको यहाँ पर कटआउट टूल पर चलना है। तो ये रहा कटआउट का ऑप्शन, तो कटआउट टूल पर क्लिक करना है। कटआउट टूल पर क्लिक करने में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पर्सन का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपको पर्सन पर क्लिक करना है एंड गैस अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। और जो पार्ट सिलेक्शन से बच जाएगा आपको मैन्युअली आपको सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्शन को अच्छी तरह से कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छी तरह से सिलेक्शन बना चुकी हूँ। अभी गाइस आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है, अपने आप यहाँ पर कटआउट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो, तो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर कटआउट हो चुकी है। अभी आपको ये क्लाउड के ऊपर, ये क्लाउड ट्री के ऊपर आपको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। तो सिंपल आपको इस तरह से क्लाउड ट्री के ऊपर इस तरह से ये क्लाउड के ऊपर इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। और यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट करने के बाद अभी आपको इरेज करना पड़ेगा। तो सिंपल आपको इरेज कैसे करना है, आपको इरेज टूल पर पहले आपको क्लिक करना है एंड कैसे आपको इरेज टूल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको क्या करना है, इरेज टूल पर क्लिक करना है एंड गैस आपको इरेज की जो अमाउंट को हार्डनेस को 2-0 ही रखना है और साइज को थोड़ा कम करना है। कम नहीं, आपको यहाँ पर ज़्यादा ही रखना है, आपको 40 के आसपास एंड गैस आपको इस तरह से जूम करें और गैस नीचे तरह आपको इस तरह से 2-3 बार आपको इस तरह से आपको इरेज करना है। उसके बाद आपको 2 बार इरेज करना है। सेकंड बार आपको यहाँ पर ओपेसिटी को थोड़ा कम करना है, कम करके आपको इस तरह से 1-2 बार इस तरह से इरेज करना है। देख सकते हो गाइस, बहुत ही अच्छी तरह से हमारे जो क्लाउड के ऊपर हमारे जो मॉडल मैचिंग हो चुकी है। सो गाइस अभी आपको यहाँ पर डन कर रहे हैं। तो यहाँ पर डन करके बैक चल रहे हैं एंड गाइस आपको यहाँ पर फुली डन नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है। तो ये रहा प्लस आइकन, सिंपल आपको प्लस आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर ऐड फोटो चल रहे हैं। ऐड फोटो जाकर के यहाँ पर और एक क्लाउड पेज को लाना है। सो गाइस आपको यहाँ पर ये क्लाउड पेज होगा, आपको ये सभी पेज आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सिंपल आपको ये क्लाउड पेज को 2 बार सिलेक्ट करना है और यहाँ पर 2 बार सिलेक्ट करके एक को पीछे रखना है। इस तरह से पीछे रखने के लिए आपको यहाँ पर लेयर पर क्लिक करके यहाँ पर मूव डाउन कर लेना है। तो ये रहा लेयर का ऑप्शन, सिंपल आपको लेयर पर क्लिक करना है एंड गैस आपको मूव डाउन कर देना है। मूव डाउन करके आपको ओपेसिटी को डाउन कर लेना है। तो ये रहा ओपेसिटी का ऑप्शन, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। सिंपल आपको ओपेसिटी भी डाउन कर लेना है, ये क्लाउड पेंज की जो पीछे की क्लाउड पेंज को ओपेसिटी डाउन कर देना है। अभी गैस आपको यहाँ पर जो आगे की जो क्लाउड पेंज को सिलेक्ट करना है एंड गैस आपको आगे की तरफ इस तरह से फिट कर लेना है। देख सकते हो गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो पीछे की यहाँ पर जो क्लाउड पेंज को यहाँ पर मैं क्या करूँगा, थोड़ी यहाँ पर थोड़ी ओपेसिटी को प्लस कर दूंगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पर फिर से पीछे कर दूंगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही अच्छी तरह से एडजस्ट हो चुकी है पीएनजी वगैरह। अभी ऐसा कुछ ऐसे डन करना है। डन करने के बाद क्या करना है, फिर से आपको ऐड फोटो चलना है। ऐड फोटो जा करके यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्लैक बार्स पीएनजी को लाना है। तो ये बार्स पीएनजी को सिलेक्ट करना है एंड गैस आपको यहाँ पर जो क्लाउड कवर इस तरह से एडजस्ट करना है, इस तरह से एडजस्ट करना है एंड गैस आपको डन करना है। डन करने के बाद फिर से आपको ऐड फोटो चलना है। ऐड फोटो जा करके यहाँ पर आपको क्या करना है, और एक क्लाउड पीएनजी मिलेगा आपको, ये क्लाउड को 2 बार सिलेक्ट करना है। और गैस आपको ये क्लाउड पेज को एक तो यहाँ पर राइट तरफ रखना है एक को, और यहाँ पर आपको दूसरे को इस तरह से छोटा करना है, लेफ्ट तरफ रखना है। देख सकते हो गैस, बहुत ही अच्छी तरह से हमें जो क्लाउड पेज फिट हो चुकी है कि अभी आपको यहाँ पर डन करना है। डन करके फिर से आपको ऐड फोटो जा करके और एक व्हाइट बार्स पेज को लाना है, और गैस आपको 2 बार्स पेज को सिलेक्ट करना है एंड गैस आपको ये 2 बार्स पेज को सिलेक्ट करना है। और व्हाइट बार्स पेज को पहले आपको यहाँ पर लेफ्ट तरफ आपको इस तरह से एडजस्ट करना है, छोटा करके इस तरह से छोटा करके आपको एडजस्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपको जो सेकंड बार्स पेंज को एक को इरेज करना है, तो इरेज पर क्लिक करके यहाँ पर ऊपर की जो बार्स पेंज को इस तरह से इरेज कर लेना है। और यहाँ पर डन डन करने तो इस तरह से यहाँ पर छोटा कर देना है, ये बार्स पेंज को छोटा करके आपको राइट इधर आपको इस तरह से आज करना है, तो फ्लिप रोटेट कर देना है। तो यहाँ पर फ्लिप रोटेट पर क्लिक करके इसी साइड कर लेना है और इसका एक डुप्लीकेट ले जाना है। लेयर पर क्लिक करना है, सिंपल आपको डुप्लीकेट बना देना है। डुप्लीकेट को आपको ऊपर इधर आपको इस तरह से आज करना है या तो नीचे की तरफ भी एडजस्ट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पर डन। तो वैसे यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से हमने जो पेंज पर एडजस्ट हो चुकी है। अभी थोड़ा यहाँ पर ब्राइटनेस कलर एडजस्ट भी कर देंगे। तो कलर एडजस्ट करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पर टूल्स पर क्लिक करना है एंड गैस आपको टूल्स पर क्लिक करके यहाँ पर आपको एडजस्ट पर चलना है। एडजस्ट पर क्लिक करके यहाँ पर ब्राइटनेस को छोड़ देना है, कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा ही प्लस कर देना है, प्लस आपको 3 के आसपास रखना है एंड गैस क्लैरिटी को हल्का सा प्लस कर देना है, क्लैरिटी को आपको 10 के आसपास रखना है। तो यहाँ पर मैं 12 रखता हूँ। और सैचुरेशन को हुई को छोड़ देना है एंड गैस आपको हाईलाइट्स को माइनस ही रखना है क्योंकि ज़्यादा हाईलाइट्स है हमारी इमेज में। और यहाँ पर शैडोज को हल्का सा यहाँ पर प्लस ही रखना है, तो प्लस आपको यहाँ पर रखना है 6 एस्पेक्ट,
एंड गैस अकाउंट रिटर्न कर रहे हैं। तो गैस यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये रहा बिफोर एंड आफ्टर, बहुत ही बढ़िया एडिटिंग हो चुकी है। आई होप आपको एडिटिंग अच्छी लगी, तो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही फोटो दूंगा मिस ना रहे। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मिले। तो चलेगा, मिलता है अगले वीडियो में।